Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will be notified every time when I am on YouTube. Hello everyone, welcome back to your own channel. Last time we had HPTZT मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे 2020 में जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें, तो आज हम उनको कंटिन्यू करेंगे। होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा 2016, 2018 और 2019 के भी वहाँ पे आपको मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप उनको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ ऑल टू डिजिट ऑड नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स आप सबको पता होगा, ऑड नंबर्स यानी कि 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमारे पास एक कंडीशन लग गई है कि टू डिजिट ऑड नंबर्स हैं। टू डिजिट यानी कि कहाँ से स्टार्ट होंगे, 11, 13, 15 एंड सो ऑन, और एंडिंग कहाँ होगी हमारे पास, 99। हमसे पूछा है कि इन सबका सम क्या होगा, ठीक है, तो हम इनका सम कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास एपी आपने क्लियर आपको होगी, तो वहां पे हमारे पास ए दिया हुआ, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है, और हमारे पास nth टर्म जो है वो भी 99 है। अगर हम यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, टोटल कितने n है, तो हमारा फॉर्मूला होता है Sn निकालने का, ny2 × 2a + n − 1 × d। n आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई, और a आपका फर्स्ट टर्म हो गई, और d आपका कॉमन डिफरेंस हो गई। या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म दी होती हैं, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं a + l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला होता है हमारा a + n − 1 × d, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास है 11, प्लस n हमें निकालना है, d भी हमारे पास 2 दिया हुआ है, an भी हमारे पास 99 है, सबकी वैल्यू फिलअप कर दी हमने। सो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं हम, तो हमारे पास क्या क्या आएगा, n − 1 × 2, या फिर 44 जब 2 से डिवाइड करेंगे, n − 1, एंड देन n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45, ठीक है। n आ गया 45, जल्दी से इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, 45 / 2, यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म है 11 और लास्ट टर्म है हमारे पास 99, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 45 / 2 × 110, विच इज इक्वल टू, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2475, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, द 3 लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय y³ − 4x² विच इज इक्वल टू 0, और आपको पूछा है कि ये जो आपके पास लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ये कौन से ट्राइंगल बनाएगी। तो हमारा फर्स्ट है राइट ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगी। सेकंड है इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएगी। थर्ड वन इज आइसोसेलस ट्राइंगल बनाएगी, या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। अब इसके अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको करेंगे हम, बेसिकली पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा y, अगर हम इसमें से कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा y² − 4x² विच इज इक्वल टू 0। ये वाला आपका कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, बीच में सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम इसको, यहाँ पे आ जाएगा a² − b², उसका क्या होता है a + b × a − b विच इज इक्वल टू 0। अगर हम इनको सबको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, फिर y इज इक्वल टू 0, y + 2x इज इक्वल टू 0 एंड y − 2x इज इक्वल टू 0, ये होगी हमारी 3 लाइंस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, नॉर्मल हमने इसको जस्ट सॉल्व किया। अब अगर हम इनका ग्राफ बना के देखें, ये हमारा ग्राफ लाइन बन गई, यहाँ पे x, यहाँ पे y। अब y इज इक्वल टू 0 है, यानी कि आप x की चाहे जो मर्जी वैल्यू ले लो, यहाँ पे ही इसका जो आपका वैल्यू आएगी इसकी, वो यहाँ पे 0 ही आएगी y की, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखते हैं, y + 2x है, तो y + 2x है, यानी कि अगर मैं y की वैल्यू y = −2x लिख रहे हैं, y की वैल्यू मैं अगर 0 ले रही हूँ, तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ बन गया इसका। और अगर यहाँ पे मैं y की वैल्यू 2 ले रही हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू, ग्राफ प्रॉब्लम तो आपने सॉल्व की होंगी, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू 2 ले रही हूँ, तो x की वैल्यू जो है आपकी वो आ जाएगी −1, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई −1 और यहाँ पे आ गया 2, यानी कि यहाँ पे।
अब ये तो हो गई, अब इसमें दो वैल्यूज हमने ले ली, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं y इज इक्वल टू 2x। अगर मैं y की वैल्यू 0 ले रही हूँ तो x की वैल्यू भी 0 आएगी, और कोई और वैल्यूज ट्राई करके देख सकते हैं, अगर y की वैल्यू 2 ले रही हूँ तो x की वैल्यू जो है वो 1 आएगी, 1 यहाँ पे मान लो 2 यहाँ पे। अब देखो जितने भी ये पॉइंट्स आ रहे हैं, फर्स्ट जो पॉइंट है y इज इक्वल टू 0, इनके वो यही आ रहा है, ठीक है। अब ये जो है इसमें भी आपका 0 0 आ रहा है, ये वाली जो लाइन ली हमने इसमें भी 0 0 आ रहा है, तो सभी जो लाइंस है वो ओरिजिन से पास करेंगी, ठीक है, तो वो कोई ट्राइंगल नहीं बना सकती हैं। अगर यहाँ पे अलग वैल्यूज कुछ इस हिसाब से आती कि यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो जाती तो आप बोल सकते थे, अब इसको ये ट्राइंगल नहीं है जिसमें मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। सो अब आप बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि ये जो है वो कोई भी ट्राइंगल जो है फॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें आपके पास दिया है x प्लस वाई जो है वो नॉर्मल इज इक्वल टू k इज नॉर्मल टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, या कर्व पैराबोला हो सकते हैं, कर्व है तो k आपने निकालना है, k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो इसको हम कैसे करेंगे, मान लो जो आपका कर्व है या पैराबोला है, हम इसको अज्यूम करते हैं इस टाइप में, ठीक है, तो उसके ऊपर जो हम एक टेंजेंट वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, टेंजेंट और स्लोप का आपको पता है, ये टेंजेंट हो गया इसका, और इसके ऊपर एक नॉर्मल दिया हुआ है हमारे पास ये वाला, ठीक है, नॉर्मल ये हमारे पास दिया हुआ। अब हमारे पास एक होता है कि m1 into m2 is equal to minus 1, यानी कि जो हमारा फर्स्ट स्लोप आएगा नॉर्मल का और जो दूसरा स्लोप होगा पैराबोला का, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर आना चाहिए माइनस 1, क्लियर। सो अगर हम इसमें से देखें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x है, अगर हम इसका स्लोप निकालें वो होता है dy ओवर dx करके, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 12, ठीक है, यानी कि dy ओवर dx की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 2y विच इज इक्वल टू 6 ओवर y, यानी कि इसका स्लोप जो आपका पैराबोला है उसका स्लोप आपके पास आ गया 6 डिवाइडेड बाय y। अगर हम इसका स्लोप निकालें यहाँ पे भी dy ओवर dx which is equal to k minus y, ठीक है, k आपका कांस्टेंट है, y यहाँ पे आ जाएगा माइनस, सॉरी x इस साइड जाएगा माइनस 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका आंसर आना चाहिए माइनस 1, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 ओवर y into माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1, हमें y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी तो आपके पास आ जाएगा माइनस 6 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू माइनस 1, और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। अब हमारे पास अगर y की वैल्यू आ रही है यहाँ से, तो हम यहाँ पे पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 6, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 9, तो आपका आंसर होगा k इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो एक और टाइप से हम इसको कर सकते हैं, जैसे मान लो कि ये आपने लाइन याद रखनी है, इफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक लाइन की इक्वेशन है, इज नॉर्मल टू, आपका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ये ना नॉर्मल टू द पैराबोला, जो हमारे पास पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, देन जो आपकी c की वैल्यू होती है वो होती है माइनस 2am माइनस am, ठीक है, अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपका डायरेक्ट वैसे भी आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो हमारे पास जो कंडीशन दी है वो दी हुई है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है, सो विच इंप्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू एक्स, तभी 12 बना होगा, यानी कि अगर हम इससे और इसमें कंपेरिजन करें, विच इंप्लाइज जो a की वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है, क्लियर। और दूसरी जो हमारे पास लाइन दी हुई है वो है x plus y is equal to k, ठीक है, which implies जो हमारा अगर हम इससे कंपेयर करें y is equal to m x plus c, ये है ना आपका, तो यहां से हमारी y की वैल्यू कितनी निकल रही है, y is equal to minus x plus k, कुछ इस फॉर्मेट में, यानी कि जो आपका c होता है कोई कांस्टेंट ही होता है, k भी वही चीज आपकी डिनोट कर रहा है, यानी कि जो बेसिकली सी जो है वो के बराबर है, यही चीज होगी। सो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास आ रहा है विच इम्प्लाइज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस वन ऐसे एक्स प्लस के,
बाकी सेम है, तो हमारे पास m की वैल्यू -1 आ रही है और c की वैल्यू जो है वो k के बराबर आ रही है। क्लियर हो गया। सो देयरफॉर c इज इक्वल टू -2 इनटू a की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं 3 मल्टीप्लाई बाय जो हमारा k है, m जो है m की वैल्यू हमारे पास है -1, ठीक है, माइनस a की वैल्यू आपके पास है 3 और m की वैल्यू है -1 होल क्यूब, विच इम्प्लाइज माइनस यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास +3, तो c की वैल्यू आपके पास आ गई 9 एंड c जो है k के बराबर था तो आपके पास सिंपली k जो हमें निकालना था वो आ गया 9। क्लियर, ये वाला इजी है, ये दूसरे वाला इजी आप डिसाइड कर सकते हैं और काफी इजी ये क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास 3 लाइंस दी हुई है, 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, ठीक है, नेक्स्ट है 5x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 3 एंड नेक्स्ट वन इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। अब ये तीनों लाइन जो है वो है कॉन्करेंट, ठीक है। अब अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा क्या है ये, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो होता क्या है। हिंदी में भी लिखा है संगामी, ठीक है, तो बेसिकली आपको a का जो है वो फाइंड आउट करनी है वैल्यू। तो कॉन्करेंट लाइन्स वो होती हैं जो किसी एक पॉइंट पे ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि उनमें एक पॉइंट ऐसा होता है, कॉमन पॉइंट होता है सबमें। तो यानी कि अगर हम इन दोनों में से x y की वैल्यू या तीनों में से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम इजिली जो है जो आपकी यहाँ वाली है इसमें पुट करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी वैल्यू आ जाएगी। इनकी एक पॉइंट तो ऐसा होगा इनमें जो इनमें कॉमन होगा, तभी तो इंटरसेक्ट कर रही है, तभी ये कॉन्करेंट लाइन बन रही है। क्लियर, तो जितना आपने अभी तक पढ़ा उनमें आपको एक चीज़ तो नोटिस की होगी आपने कि अगर हमें फॉर्मूलाज क्लियर होंगे, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे, हर एक जो आपका टर्म्स यूज हो रही हैं उनका मीनिंग पता होगा, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, जो आपके मेन क्वेश्चंस होते हैं क्या क्या उनमें ज़रूरत होती है वो देख सकते हैं आप। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है आप इस टाइप के कॉन्करेंट लाइंस के कुछ और क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें और इसमें अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास इनको मैं ऐड अप करती हूँ, ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है 5x बाई से बाई कट हो गया इज इक्वल टू 5, तो हमारे x की वैल्यू आ गई आपके पास 1। सिंपल है, x की वैल्यू अगर 1 आ जा रही है सो अब इनमें से और इसमें से किसी में भी अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। अगर मैं मान लो इसमें ही x पुट इसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ x की, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस y इज इक्वल टू 2 एंड माइनस y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -1 और y की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। अगर y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों की वैल्यू 1 आ रही है, अगर हम इसमें डालें मान लो अगर हम चेक करें कि हमारी वैल्यू ठीक है ये गलत है, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 1 डाल रही हूँ तो 2 इंटू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3, ऑब्वियसली 3 ही आ रहा है, यानी कि हमारी ये हमने जो x और y की वैल्यू फाइंड आउट की है वो ठीक की है, ये मतलब हुआ इसका। तो हमारे पास x और y की वैल्यू निकल गई। अगर आप सेकेंड इक्वेशन को देखें तो वहां पे अगर हम इन वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास जो है इजिली आपकी a की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ पे तो आपके पास y, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करते हैं 5 इंटू 1 प्लस a इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ पे आ गया 5 प्लस a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3 माइनस 5 विच इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास ऑप्शन थे -2, 0, 1 एंड 3, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता, फर्स्ट ऑप्शन है ये -2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपने इस इक्वेशन के बारे में सुना होगा, x माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपकी किसकी होती है, ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो मैं आपको क्यों बता रही हूँ, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन जो था वो था आपके पास सेंटर ऑफ द इलिप्स, आपको फाइंड आउट करना था सेंटर ऑफ इलिप्स का, और इलिप्स दी क्या हुई है आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16x माइनस 18y माइनस 11 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको इसका सेंटर फाइंड आउट करना है, तो जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया इलिप्स का, तो अगर आपके माइंड में वो होगा तो आप उसको क्लियरली
फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो हम जहाँ पे आपके एच और के मैंने लिए थे वो आपके होते हैं सेंटर रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको उसी फॉर्मेट में लिखने की ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर हमने इसको उस फॉर्मेट में लिख दिया तो हमारा आंसर ईजी हो गया। सो बेसिकली अगर हम एक्स और वाई वाले जो टर्म्स हैं उनको अलग अलग करके लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, हमारा मेन फोकस होगा हमें पहुंचना है किसके ऊपर, एक्स माइनस के या एच जो भी होगा यहाँ पे स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट में अगर हमारे पास आता है तो हमारे के कॉमा एच जो होते हैं वो सेंटर कंसिडर होते हैं। सो ट्राई करते हैं किस फॉर्म में आ जाए, तो अगर मैं एक्स वाले लूँ तो वहां पे आपका 4x हम कॉमन 4x नहीं हम 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, ये कॉमन आ जाएगा। और 9 वाले में से अगर जो आपका y है उसमें से हम कॉमन लें तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 18, 9 का जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ओनली 2 ही बचेगा, यहाँ पे 2, ठीक है, 2y विच इज माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अभी भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमें चाहिए x माइनस यानी होल स्क्वायर हमें चाहिए। तो आपका जब आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सुना होगा पढ़ा होगा तो वहां पे अगर हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से यहाँ पे कुछ टर्म ऐड कर रहे हैं जिससे आपका यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म हो जाए, इस फॉर्म में आ जाए, a माइनस बी या a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। वो जो अगर हम यहाँ ऐड करें तो उसको हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, इक्वल चीज है। जैसे मान लो यहाँ x प्लस 5, ठीक है, अगर मैं इसमें प्लस 3 करूँ और माइनस 3 कर दूँ, x प्लस 5 कितना है आपके पास, ठीक है, और मैं इसमें प्लस 3 कर रही हूँ और माइनस 3 कर रही हूँ तो उसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है, जो ही ऐड करें वही सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो कोई इसका आपका कोई इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो वैसे ही हम इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। तो 4 अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हम बना सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे होता है 2ab तो हमारे पास a तो ऑब्वियसली है कि 1 है तो यहाँ पे 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4x प्लस 4, 2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस 9। अब यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, y स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस 2y, यानी कि आपका जो फॉर्मूला है आपको तो वो फॉर्मूले को देख के पता लगाना पड़ेगा कि आपने क्या a माइनस b का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी के बराबर होता है। तो हमारे पास ए स्क्वायर है माइनस 2ab भी है, यानी कि इससे पता चल रहा है कि a और b के जो कॉफिशियंट है वो 1 होने चाहिए। अगर इसके कॉफिशियंट 1 होंगे तो यहाँ पे हमें v की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज माइनस 11 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे अब हमने ऐड किया क्या किया, हमने यहाँ पे 4 ऐड किया, ठीक है, प्लस 4 लिखा यहाँ पे और यहाँ पे हमने प्लस 1 लिखा। अब एक और चीज, यहाँ पे भी आप गलती कर सकते हो कि हमने यहाँ प्लस 4 ही तो लिखा है, लेकिन इसके बारे में भी ध्यान रखो ना, अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस 4 कर देते हो, 4 यहाँ ऐड किया माइनस 4 वहां कर रहे हो, तो बाहर तो मल्टीप्लाई 4 से भी है, यहाँ तो 16 हो गया, तो हमें इसमें माइनस करना पड़ेगा माइनस 16 और यहाँ पे माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0, क्लियर, तब आपके पास आंसर क्लियर होगा, क्योंकि इनके ब्रैकेट्स भी आपको देखने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे अगर आपको यहाँ भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप सिंपली यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे माइनस 4 लिखो, जब इसको माइनस करना होगा तो यानी कि ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि आपको 16 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, हर एक छोटी प्लस माइनस का ख्याल रखना होता है मैथमेटिक्स में, तभी आपके क्वेश्चन जो है क्लियर पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो क्लियर, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया प्लस 9 और यहाँ पे बन गया आपके पास y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11 प्लस 16 27 और 9 36 माइनस 36, तो इस साइड जाके हो जाएगा प्लस 36, ठीक है। अब हमें इस फॉर्म में चाहिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर नीचे आने चाहिए, तो अगर मैं इस 36 से इनको डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, या फिर आप इमेजिन करो कि इन सबको हमें इस साइड जो होता है इज इक्वल टू 1 के बराबर होती है, ठीक है, तो हमें 1 चाहिए, तो हमें 1 करने के लिए इसको 36 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जब आप 4 ओवर 36 करोगे तो यहाँ 9 बनेगा, यहाँ पे करेंगे आपके पास तो y माइनस y 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 बनेगा विच इज इक्वल टू 1, आपकी इलिप्स की फॉर्म में आ गया, जो आपकी इलिप्स की मेन इक्वेशन होती है सेंटर निकालने की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि k और h जो होंगे वो इसके सेंटर होंगे, तो यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो हमारे पास आ गया माइनस 2 और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिखना है। माइनस 2 क्यों आया, क्योंकि इसमें जो होता है माइनस होता है पहले से, तो यहाँ पे प्लस कैसे बना होगा,
माइनस, इसकी वैल्यू माइनस टू होगी तभी प्लस वन होगा, तो माइनस वन और टू, टू कॉमा वन मत लिख के आ जाना, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। समझाने के लिए मेरे को ज्यादा टाइम लगा, बिकॉज देखो चार लाइनों में हो गया, वो भी एक्सप्लेन करने में। बाय द वे आपका बिल्कुल जल्दी से ये क्वेश्चन हो जाएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जस्ट आपको देखना था और आपका आंसर आ जाता। आपके पास क्वेश्चन है फॉर स्पेसिफाइंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन को स्पेसिफाई करने के लिए आपको कितने पॉइंट्स की जरूरत है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल पैरामीटर यू शुड बी नो। सिंपल है, आपको अगर दो पॉइंट पता होंगे, मान लो एक स्ट्रेट लाइन है तो आपको ये इसका फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पता होगा, तो आप सिंपली कर सकते हैं एक लाइन को डिस्क्राइब कर सकते हैं ना। लाइन की बात हो रही है, किस चीज की बात नहीं हो रही है। तो ऑप्शन थे 2, 3, 4, 5, तो सिंपल आपका आंसर होना था 2। कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट भी कुछ ऐसा ही है, एक्स एक्सिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ विच प्लेन। अगर हम सारे प्लेन 3D में देखें, एक क्वेश्चन ये था, ये था जो आपका पेपर था, वो कोई ज्यादा टफ भी नहीं था। सो मान लो इसको एक्स वाई और यहाँ पे जेड, तो एक्स एक्सिस जो होगी वो किसके इंटरसेक्शन होगी, ये है आपकी एक्स एक्सिस। कौन सा प्लेन है ये वाला प्लेन, कौन सा है एक्स वाई प्लेन। अगर हम इसमें देखें आपका ये वाला प्लेन, ये वाला सारा, ये वाला प्लेन है आपका एक्स वाई प्लेन, और इंटरसेक्शन किसकी हो रही है यहाँ पे, और ये जो प्लेन है आपका एक्स जेड प्लेन, इनके बीच में ही आपकी एक्स एक्सिस आ रही है ना। सिंपल सी बात है, कितना इजी क्वेश्चन था। ये पूछा था कि सिंपली कि एक्स एक्सिस जो है किन दो प्लेन की इंटरसेक्शन है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या थे, एक्स वाई और वाई जेड। तो एक्स वाई और वाई जेड तो हो गए नहीं, एक्स वाई ये है, वाई जेड आपका इस साइड को बनेगा, तो इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन तो है ही नहीं वाई एक्स की, सिंपल है। नेक्स्ट था वाई जेड जेड एक्स, वाई जेड जेड एक्स, वाई जेड ये वाला हो गया और जेड एक्स ये हो गया, तो इनके बीच में भी जेड है बीच में, और एक था नन ऑफ दीज, और आपका मेन जो करेक्ट ऑप्शन होना था वो था एक्स वाई और ये वाला, ठीक है। तो सिंपल ये हो गया। तो आज के लिए इतना ही, होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट हम बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, साथ में शेयर कर दें वीडियो अपने दोस्तों के साथ जिनको जरूरत है, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको कोई भी इसके अलावा क्वेरीज है, आप इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे हम डेली क्विज अपडेट करते रहते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, या जो भी आप क्वेश्चंस होते हैं उनसे रिलेटेड। साथ में आप सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।